नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय समिति ने शुक्रवार को अनवर अली की अध्यक्षता में साकची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा संपर्क कार्यालय में 28वां अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाबर खान एवं विशेष अतिथि के रूप में मनवर हुसैन उपस्थित थे। इस दौरान बैठक कर अल्पसंख्यक मोर्चा के संवैधानिक अधिकार से संबंधित विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एवं सच्चर कमेटी के सिफारिश को जल्द लागू किए जाने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों को उचित आरक्षण दिए जाने की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय महासचिव बाबर खान ने बताया कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, वे अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक की मांग पर विचार कर सहयोग करने के लिए आग्रह किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया और ये 28वां अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। आज ही के दिन 18 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय जो आयोग है उसके द्वारा ये गठन किया गया और उसके बाद इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक अपने अधिकार की रक्षा कैसे करेंगे और अपने अधिकार की प्राप्ति कैसे करेंगे। उन्हीं विषय को लेकर के हम लोग राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आज अल्पसंख्यकों का अधिकार जो संविधान ने दिया है भारत देश का, आज वो अधिकार से हमें वंचित रखा जा रहा है। वो अधिकार हमें मिलना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में सबको बराबर से अधिकार दिया गया है और बराबरी का हिस्सेदारी और अधिकार से हमें वंचित रखा जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से हम तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ये मांग करते हैं कि हमारे राज्य में अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर वो कार्यक्रम और वो प्रतिष्ठानें बननी चाहिए जिससे लोगों को सफलता मिले और खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको अल्पसंख्यक अधिकार। आज ये मांग किया है कि यहाँ उर्दू अकेडमी, उर्दू लाइब्रेरी, हज हाउस का शीघ्र गठन होना चाहिए, साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग का गठन होना चाहिए, मदरसा बोर्ड का गठन होना चाहिए। आज अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली नहीं के बराबर हो रही है, शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है, इससे कई संबंधित विषय को लेकर के एक मांग पत्र द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर के माध्यम से हम लोग आज दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को। और हम लोगों की जो मांग है हम ये आशा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम माननीय मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति आप थोड़ा सा गंभीर हों और जो आशाएं लोगों को आपके प्रति है उसमें आप खरा उतरने का कार्य। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।